स्वागत है आप सभी का। वृश्चिक राशि के जातकों का 2019 का वर्ष कैसा जाएगा उसे लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। मेरे वीडियोस लेट आ रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि वार्षिक राशिफल 1 महीने 2 महीने पहले आ जाना चाहिए, लेकिन लेट हो रही है। काम के दबाव की वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा, और चूंकि बृहस्पति के गोचर को कंप्लीट करने में लग गया था, इस वजह से भी इसमें देर हो रही है। लेकिन आई होप 1 जनवरी के पहले, यानी 1 जनवरी 2019 के पहले मीन राशि तक कंप्लीट कर दूंगा। वृश्चिक तक तो पहुंच ही गया हूँ, कोशिश करूंगा अब थोड़ा शॉर्ट में डाल देने के लिए। तो चलिए चार्ट पे लेके चलता हूं मैं आपको, वो जरूरी है मेरे लिए। वर्ष 2019 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। किसी भी प्रकार का ऋण इत्यादि लेने की जरूरत शायद आपको नहीं पड़ेगी या नहीं पड़नी चाहिए। नौकरी पेशा जो जातक हैं उनको भी बहुत से अवसर मिलेंगे, जिससे कि उनकी उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, नए जॉब का या बेटर जॉब का ऑप्शन भी आपके हाथ में आ सकता है। आर्थिक स्थिति में इस वर्ष आपके उन्नति होने का योग बन रहा है। हालांकि खर्च भी होगा, लेकिन आय भी उसी तुलना में होगी। एजुकेशन सेक्टर में जो छात्र हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा सफलता प्राप्त करने वाला होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफी अवसर आएंगे। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें इस वर्ष, खास करके शुरू में ही जब मंगल अपनी ही राशि में स्वग्रही होगा, छठे भाव में चल रहा होगा, तो उस वक्त आपको थोड़ी समस्या, और मंगल देव जब मिथुन राशि में विचरण कर रहे होंगे उस वक्त आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या सता सकती है। खान पान और डेली कसरत पे ध्यान रखें। रोमांस के लिए, प्रेम के लिए ये वर्ष आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। नया प्रेम संबंध आपके जीवन में आ सकता है। अविवाहित अगर हैं तो आपके विवाह का योग भी बनता है। विवाहित जीवन आपका अच्छा जाएगा, यानी जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए फेवरेबल स्थिति बनी हुई है। चलिए मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए जल्दी से आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का समय आपका कैसा जाएगा उस पर एक नजर मार लेते हैं हम। सूर्य राशि से दूसरे भाव में शुरुआत में ही होगा, जिससे कि आपको धन का नुकसान हो सकता है और कोई आपको चीट कर सकता है। अत्यधिक आशावादी होने से बचे और भरोसा करने से बचे, कड़वी बातें या कड़वे शब्द उच्चारण करने से भी बचे। मंगल पांचवें भाव में इस वक्त भ्रमण करेगा जनवरी महीने में, आपके लिए समस्यादायक हो सकता है, लेकिन कला के क्षेत्र में जो मित्र हैं उनके लिए फेवरेबल स्थिति बनाएगा ये मंगल। प्रेम संबंधों में आपको सफलता देगा, लेकिन आपके जो सीनियर है, आपके सीनियर अधिकारी हैं या ऑफिस में जो आपके बॉस हैं या आपके सीनियर हैं, उनके साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, जिससे कि आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित रह सकते हैं। बुध द्वितीय भाव में होगा गोचर में, आपके आनंद में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बुध की वजह से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पुराना पैसा मिलने का योग आपको बनेगा, फंसा हुआ पैसा आपको मिलने का योग बनेगा, सेविंग्स में वृद्धि होगी, आपके परिवार में खुशियां और कोई आयोजन समारोह होने का योग भी बनता है। बृहस्पति वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहा है। बृहस्पति के वृश्चिक राशि के फल जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, अलग से डाला हुआ मैंने मेष से लेकर मीन राशि तक का फल वृश्चिक का अलग से डाला हुआ है, आप वहां वृश्चिक का फल समझने के लिए देख सकते हैं। आप कुछ असंतुष्ट रह सकते हैं अपने आसपास के वातावरण से, आप असंतुष्ट होंगे और लोग भी आपसे असंतुष्ट होंगे। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आप बचे, खर्च की अधिकता आपको परेशानी दिला सकती है। शनि द्वितीय भाव में धनु राशि में है, धन की समस्या करवा सकता है आपको, परिवार के लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग का योग बनता है, रुपए पैसे से संबंधित लेन देन में आप सावधानी बरतें और
धनु राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर और धनु राशि में शनि का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा, ये वीडियो मैंने अलग से आज से 1.5-2 साल पहले डाल दिया है, उसे आप देख लें, वहां आपको और साफ हो जाएगी स्थिति। रुपए पैसे से संबंधी आपको हानि उठानी पड़ सकती है। राहु नवम भाव में आपको अप्रत्याशित स्थितियों में डाल देंगे, हालांकि अचानक लाभ आपको हो सकता है। पारंपरिक बातों के आप खिलाफ होंगे। केतु तृतीय भाव में आपके लिए छोटी यात्राएं, सुखमय जीवन, साहसी कार्य और कुछ जरूरत से ज्यादा साहस आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, ये भी आपने ध्यान देना है। चलिए फरवरी का महीना वृश्चिक राशि के जातकों में कैसा जाएगा देखते हैं। फरवरी के महीने में सूर्य तृतीय भाव में होंगे, आपको कोई नया पद मिल सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपके ज्यादातर प्रयत्न सफलता प्राप्त करेंगे, दुश्मन शत्रु आपसे हार स्वीकार कर लेंगे, सफलतादायक महीना आपके लिए रहने वाला है। कम्युनिकेशन के काम में आपको सफलताएं मिलेंगी, बुध तृतीय भाव में गोचर कर रहे होंगे, बुध कम्युनिकेशन का मुख्य प्लैनेट होता है, तो किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन के काम में आपको सफलता मिलेगी, खुशखबरी मिल सकती है, कई दिनों से अटका हुआ कोई समाचार जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आपको मिल सकता है। एक्साइटेड होने से बचें, किसी भी खास डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने के पहले आप थोड़ा अच्छे से उसकी जांच कर लें। शुक्र द्वितीय भाव में होंगे, विदेशों से धन आय का योग बनाएंगे ये शुक्र की स्थिति आपके लिए, आप फाइनेंस करवा सकते हैं अपने किसी काम के लिए, लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं अपने काम को अग्रगति देने के लिए। हालांकि धन की अच्छी आवागमन आपको इस साल रहनी है, लोन न भी लेंगे तो चलेगा, आपके पास खुद का जुगाड़ हो जाए। मार्च के महीने में सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, डोमेस्टिक लाइफ में तनाव हो सकता है, कर्मस्थल पे और पारिवारिक जीवन में आपको तनाव झेलना पड़ सकता है। मंगल का छठे भाव में गोचर, आपके शत्रुओं पे आप भारी पड़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, किसी प्रकार का मामला मुकदमा अगर है तो उसमें आपको जीत मिलेगी, आपके शत्रुओं की पराजय निश्चित होने वाली है इस महीने। बुध का पंचम में गोचर, आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, संतान संबंधी चिंता आपको थोड़ी सता सकती है, शिक्षा के मामले में आपको बाधा का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र तृतीय भाव में होंगे, आपके सहयोगी मित्र आपकी मदद करेंगे, पड़ोसियों से आपको मदद मिलेगी। अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भ्रमण करने वाला होगा, लेकिन सतर्क और सावधान रहने की भी जरूरत है आपको। सूर्य पंचम में गोचर कर रहे होंगे मीन राशि में, कर्म स्थल पे स्थितियां आपके खिलाफ होंगी, आपको मानसिक अशांति बर्दाश्त करनी पड़ सकती है, संतान की चिंता से भी आप परेशान होंगे। मंगल सप्तम में होंगे, वाद विवाद से आप बचे, जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है, व्यवसायिक पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। बुध चतुर्थ में होंगे, इस महीने आपको फायदा मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी और खास करके शिक्षा संबंधी मामलों में आपको लाभ का योग बनता है। राहु इस वक्त तक यानी इस महीने आ चुके हैं आपके अष्टम भाव में, और अष्टम में राहु का गोचर अच्छा नहीं होता, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आप गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। द्वितीय भाव का केतु, पैसे की कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मतभेदों से बचें, यानी झगड़ा करने से मतभेद करने से आप बचें। मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव छठे में होंगे, आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी, कंपिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, कोई पद की प्राप्ति हो सकती है, आपको समाज में सम्मान की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, शत्रु आपसे परास्त होंगे। बुध पंचम भाव में आपको सावधानी से लेन देन करने की सलाह दी जाती है इस महीने। शुक्र भी पंचम भाव में होंगे, शुक्र की वजह से हालांकि आपकी सफलताओं का ग्राफ बढ़ेगा, मनोरंजन के क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करके लाभ उठा सकते हैं।
जून का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पेट संबंधी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं। सूर्यदेव सप्तम में होंगे इस महीने, पाचन तंत्र आपका खराब हो सकता है, बेकार की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पेट की खराबी के अलावा बाकी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। मंगल का अष्टम में गोचर इस महीने आपको सावधानी से चलने की सलाह दी जाती है, यानी वाहन सावधानी से चलाएं, सड़क देखकर क्रॉस करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सोच समझकर करें, और पुराना कोई रोग उभर कर सामने आ सकता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। बुध सप्तम में होगा इस वक्त, आपको बिचौलियों से बचना चाहिए, किसी की बात पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। छठे भाव का शुक्र इस वक्त आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, किसी भी प्रकार का लेन देन काफी सोच समझ कर आपने करना है। जुलाई में सूर्यदेव अष्टम में होंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अष्टम का सूर्य अच्छा फल नहीं देता, कर्म स्थान पे सम्मान हानि या सरकारी महकमे से आपका मामला मुकदमा छिड़ जाने की स्थिति हो सकती है। अपने झगड़ालू प्रकृति को आप कंट्रोल में रखें, तर्क वितर्क से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। मंगल देव नवम में गोचर कर रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, धार्मिक स्थल पे आपका जाने का योग बनेगा। बुध भी नवम भाव में होंगे, बेकार की परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं, रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, धीरज के साथ अपने कामों को आप सल्टाएं। अगस्त का महीना सूर्य नवम भाव में गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। नवम का गोचर चिंताजनक स्थिति देता है, इसके नातेदारों के साथ आपका संबंध बिगड़ सकता है। बुध का अष्टम में गोचर होगा जो आपको कुछ लाभ दे सकता है, एंसेस्ट्रल मामलों में आपको कुछ लाभ मिल सकता है, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, ससुराल पक्ष से आपका संबंध अच्छा बना रहेगा। शुक्र का नवम भाव में गोचर शुभ फल है, भाग्य की सहायता मिलेगी, कलात्मक कामों में आपको रुचि बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। चलिए देखते हैं सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा है। सूर्य दशम में गोचर करेंगे इस वक्त सितंबर के महीने में, कर्म सिद्धि यानी कार्य सिद्धि, कर्म में सफलता और सम्मान वृद्धि का योग आपका बन रहा है, नया पद प्राप्ति हो सकती है आपको, और कोई बहुत दिनों से आशा जो आपने लगा के रखी थी वो पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल भी दशम में होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपके हाथ में आ सकती है, लोग आपके नीचे काम करेंगे, यानी बहुत से लोगों को आप कंट्रोल करेंगे, कि सब कुछ घटना अचानक हो सकती है जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना हालांकि करना पड़ सकता है, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। बुध भी दशम में होंगे, आप निश्चित तौर पे अपनी सभी बाधाओं को हटाकर सफलता के मार्ग की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए अक्टूबर का महीना कैसा है देखते हैं। अक्टूबर में सूर्यदेव एकादश में होंगे, पदोन्नति का योग आपको बनता है, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पावरफुल लोगों से आपको मदद मिल सकती है। एकादश में मंगल आपको प्रचुर धन देने का योग बनाता है, शत्रु आपसे हार मान लेंगे, आपकी आमदनी में और प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी, अपने इमोशंस को अपने काबू में रखने की कोशिश करें। द्वादश में बुध आपको स्वास्थ्य संबंधी सावधानी तथा इन्वेस्टमेंट संबंधी सावधानी बरतने की सलाह। चलिए नवंबर का महीना देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा है। तो नवंबर में सूर्य देव द्वादश भाव में विचरण करेंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए ये समय अच्छा नहीं है, बेमकसद की यात्राओं पे आपको जाना पड़ सकता है, आपके कलीग से आपका झगड़ा हो सकता है। हालांकि मंगल की स्थिति आपको धनदायी बनी रहेगी, बुध राशि में ही यानी वृश्चिक में गोचर करेंगे, मन आपका थोड़ा चंचल हो सकता है, मेडिटेशन कीजिए आपको लाभ मिलेगा। शुक्र भी राशि से भ्रमण करेगा, विदेश से धन आय का योग बनता है, नए लोगों से योगा योग बनेगा, विपरीत लिंग के लोगों से आपका संबंध अच्छा बनेगा, महिलाओं से आपको लाभ होने का योग बनता है, सौंदर्य प्रसाधन का अगर काम करते हैं आप तो आपके लिए लाभजनक स्थिति। चलिए दिसंबर का महीना देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो सूर्य राशि में भ्रमण करेगा, आपके क्रोध में वृद्धि होगी, आपको अपने क्रोध पे काबू रखने की जरूरत है, आपके सीनियर आपके साथ अच्छा व्यवहार इस महीने नहीं करेंगे। मंगल का द्वादश में भ्रमण आपके स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक स्थिति बनाता है।
बुध राशि से 12वें में गमन करेंगे, वक्री होने की वजह से पिछली राशि में आ गए इस वक्त, तो आपको किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी। शुक्र द्वितीय भाव में भ्रमण करेंगे, धन लाभ का योग शुक्र का यह गोचर आपके लिए बनाएगा। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों का 2019 साल का विचरण विवरण या फलादेश। इजाजत दीजिए, मिलते हैं धनु राशि के फल को लेकर शीघ्र ही आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।